हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम आज स्विमिंग पूल में आए हैं। हम आज आई है बाटोकेरा रिसोर्ट। तो हम लोग इधर पे पहले भी आ चुकी है, लेकिन हम लोग स्विमिंग पूल में नहीं नहाया, तो आज नहाने के लिए आई है। तो देखते हैं उधर पे अंदर जाने को मिलती है कि नहीं, पूछना पड़ेगा। जो पर पर्सन 200 रुपीस है। अभी हमें फाइनली अंदर जाने को मिल रहा है गाइस। खालू इतना खाला दिख रहा है। गाइस बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा गर्मी है। पर हमें फाइनली एंट्री करने को मिल गया है। अभी पानी भर रहा है, अभी देखो इधर पे पानी बस बहुत कम है पानी। बहुत गर्मी है गाइस, इसलिए नहाने के लिए आ गई हम। ज्यादा गर्मी नहीं है आज, बहुत ज्यादा गर्मी है। देखो पाँव नहीं रख सकते, इतना ज्यादा गर्म है। देखो अभी जेनी का एंट्री हुआ है और मुझे बहुत खाली दिख रही है इसकी मोबाइल में, क्योंकि मैं गोरी हूँ। सो गाइस, अभी नहाने के लिए पूरा रेडी हो चुकी हूँ मैं, और ये लोग भी। देखो फोटो चल रहा है इधर, एंड हम लोग पूरा रेडी है नहाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा तो अभी से ही नहाने का मन कर रहा है, घुटने का मन कर रहा है मेरा। क्या बोला तूने? बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसा लगा आके? इधर पे पैर भी नहीं रख सकती गाइस, लेकिन इधर पे अलाउड भी नहीं है कि चप्पल पहन के आओ। हम लोग बहुत दिन के बाद हम लोग बाहर निकला है ना साथ में, बहुत दिन हो गया था ना। कितना दिन हो गया था? बहुत दिन हो गया था। तो ये जगह का नाम बता दो क्या है। हम लोग इधर पे पहले भी आ चुकी है, एंड हमने शूटिंग भी किया था इधर पे, है ना। मेरा म्यूजिक वीडियो का शूटिंग भी किया था इधर पे, लेकिन हम लोग इधर पे स्विमिंग पूल में नहीं नहाया था, तो आज नहाने के लिए आ गई हम लोग। घर पे तो स्विमिंग पूल नहीं है, इसीलिए इधर पे नहाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं। मेरा दोस्त पहली बार वीडियो में आया है। हाय हाय गाइस, नाम बता दो। माय सेल्फ खत्म तथा बाय बाय। और इसको तो आप लोग ने देखा ही होगा मेरी वीडियो में बहुत बार। नहाने वाला मत नहाओ, तो लड़का है, सब लड़की है, इसीलिए नहीं नहाने वाले है गाइस। शर्म आ रहा है उसको। अरे मैं तो रोस्ट कर दिया उसको, मैं ही लेके आया है कैमरामैन बनाने के लिए, मैंने ही रोस्ट कर दिया। क्या करे, बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम ये ना, ये चिकन भी नहीं खा सकते, पोर्क भी नहीं खा सकते, तो इसको बेच ही खाना पड़ेगा। कुछ भी अगर मैं बोलना जरूरी था। जय गुरु, क्या होता है आप सबको, किसी किसी को मालूम भी नहीं है शायद। मैंने तो एक बार भी फोटो नहीं लिया इन लोगों का। देखो कितना ज्यादा फोटो हो गया, पता नहीं 100 से भी ज्यादा फोटो हो गया होगा। मुझे भी खींचो, मैं भी कितना ज्यादा हॉट दिख रही हूँ अभी गर्मी में। हॉट हॉट हॉटी, देखो गाइस हॉटी। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। नहाने का मन करे, मुझे फोटो लेने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे बस नहाने का मन करे, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है। क्या बताऊँ मैं, हमारे इधर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है। अभी घुटने का मन कर रहा है, लेकिन पानी अभी भर रहा है, अभी भी फूल नहीं हुआ है। देखो दिखाऊँ दिखाऊँ, पानी बहुत कम है अभी, भर रहा है। मुझे भी खींचो इधर पे, रुको इधर पे मैं। हे भगवान, उधर रखो थे इंसान माखे। हाँ थ्रप थूले
गाइस अभी मैं पानी के अंदर डुबाने वाली हूँ मेरा मोबाइल, एक सेकंड। हाँ हम लोग रेस करने वाले हैं इधर पे। हम लोगों को स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो अभी रेस करने वाले हैं हम लोग। ओए मजा खूब आ है। गाइस 2-3 घंटे के बाद हम लोग बाहर निकल कर आ गए पानी से। तो अभी खाने के लिए जाएंगे, बहुत भूख लगी है। 2-3 घंटा हम नहा रहे थे गाइस, अभी अभी रात को जाकर जुकाम होगा मुझे पक्का पता है। मैं बहुत थक गई। क्या सीन हो गया पीछे? गाइस देखो हमारा खाना अभी अभी आया है, पहले खा लेते, बहुत भूख लगी है मुझे। मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, जी मैंने सब खा लिया है। मेरा बेस है आज, हां आज से रोज बेस है बेचारे का। हां बेचारे चिकन खाना चाहिए नहीं खा सकते। गाइस देखो अभी से सर्दी हो गया, अभी से मारवाली से फिर से मंगवा लिया इसने। कितना खाती है ये लड़की? इसका अभी अभी आया है, हमारा खत्म हो गया है, अभी इसका और खाएगा हम लोग। हाँ देखा कैसे कैसे फेंक के दे रहा है गाइस, देने का मन नहीं है तो मत दो प्लीज। तो गाइस अभी हमने पेट पूजा कर लिया है, फाइनली खाना करके अच्छा लग रहा है। अभी बहुत ज्यादा भूख लगा था तो अभी चलते हैं, खा के मजा ही आ गया, सब डिशेस टेस्टी था, वेरी नाइस। तो गाइस अभी ये लोग आ गई है घर पे, कितनी बुरी है ना मेरे को लेके नहीं गया, बस थोड़ी देर इंतजार करना था क्योंकि मेरा स्कूल का छुट्टी होने वाली थी और ये लोग मेरे को लेके नहीं गई थी ना, इसलिए जो भी मैं मिठाई लाई थी स्कूल के बाद मैंने सब खत्म कर लिया है। देखो आ गई और देखो इसका बाल कैसा दिख रहा है। हाँ, ड्राई हो गया ना, खराब हो गया बहुत ज्यादा। देखो बाल खराब करके आ गई। इसको क्या पता, मेरे पास तो ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस शैम्पू को ट्राई किया था जिसका रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं है। आई नो स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है जो हमारी स्कैल्प को इची और ड्राई करता है जिसके वजह से हमारी हेयर में डैंड्रफ हो जाता है, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी इसका बेस्ट सोल्यूशन था, इसलिए जब मैं स्विमिंग पूल में गई तब मुझे हेजिटेशन नहीं हुआ। गाइस मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में भी बता देती हूँ कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया है और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह है। गाइस इस प्रोडक्ट
नाम है न्यूट ग्रीट कुमारी हेयर शैम्पू। जैसे मैंने बोला था, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और हैव एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो आपको हेल्प करते हैं डैंड्रफ से लड़ने में। मोर ओवर, एलोवेरा इज नेचर बेस्ट मॉइस्चराइजर, सो अनलाइक अदर केमिकल शैम्पूस, ये शैम्पू आपका स्कैल्प ड्राई करने के जगह उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा एंड एक्सेस ऑयल को भी वॉश करेगा। इसको रेगुलर यूज करने से आपका बाल स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की तो रहेंगे ही, बट उनकी ग्रोथ भी फास्टर एंड हेल्दियर होगी। तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो मेरे बालों के लिए? मेरे पास है ऑलरेडी सोल्यूशन, ये रहा न्यूट का ग्रीट कुमारी हेयर शैम्पू। और मैंने इसको ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और तुम्हें पता है, मेरा हेयर में थोड़ा सा डेंड्रा वगैरह था, वो भी अभी खत्म हो गया धीरे धीरे। देखो अभी तुम बोल रहे हो कि मेरा बाल बहुत ही ज्यादा ड्राफ हो गया, 3-4 वॉश के बाद तुम देखना मेरा बालों का रिजल्ट, और 2-3 दिन के बाद तुम खुद आके बोलेगी कि मेरा बाल कितना ज्यादा अच्छा हो गया। सो गाइस, आप लोगों को भी मैंने बता दिया, अगर आप लोगों का भी डेंड्रा होता है और अगर आप लोगों का भी स्कैल्प इच्छी होता है तो आप लोग इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आप सबको भी सजेस्ट कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है ना, मुझे ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुकी है। तो मैं आप सबको भी बोल सकती हूँ अभी ट्राई करने के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। एंड गाइस, मैंने इसका इंग्रेडिएंट सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया है। जेन्युइनली बहुत अच्छा है, मैंने 2-3 बार मैंने ट्राई कर लिया है और मुझे अभी से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं और इसको 3-4 बार मैं और इसको ट्राई करूंगी, इसको लगाऊंगी और फिर देखना आप लोग मेरा बालों का रिजल्ट। गाइस, अगर आप लोगों को भी ये ट्राई करनी है तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों को भी डैंड्रफ से प्रॉब्लम है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सो डू चेक इट आउट।